गुलेल बाज लड़का। बात उस समय की है जब मैं छठी कक्षा में पढ़ता था। मेरे सहपाठियों में एक था बोधराज, बड़ा जालिम लड़का था। हम सभी उससे डरते थे। वह गली की नाली पर बैठे बर्रों को हाथ से पकड़कर उनके डंक निकालता और फिर उनकी टांगों में धागा बांधकर उड़ाता। बाग में जाता तो तितलियां पकड़कर उंगलियों के बीच मसल डालता या तितली में पिन खोसकर उसे अपनी कॉपी में टांग लेता। सारा समय गुलेल हाथ में लिए वह पेड़ों के आसपास निशाना बांधता रहता। निशाना ऐसा बांधता कि क्षण भर में ही पक्षियों की चों चों सुनाई पड़ती और घोंसलों में से तिनके टूटकर हवा में छितराने लगते। जब तक वो घोंसलों को तहस नहस ना कर लेता, उनसे अंडे ना निकाल लेता, उसे चैन ना मिलता था। बोधराज की माँ भी उसे राक्षस कहती थी। उसका कोई खेल का कार्य ऐसा नहीं था जिसमें पर पीड़ा ना हो। सभी छात्र बोधराज से डरते थे। वह जेब में तरह तरह की चीजें रखे घूमता, जैसे कभी मैना का बच्चा, कभी भांति भांति के अंडे या कांटेदार झाऊ चूहा। स्कूल के बाद सब लड़के अपने घरों को चले जाते, पर बोधराज न जाने कहां घूमता रहता। कभी कभी वह लड़कों को किस्से भी सुनाता। एक दिन वह गोह के बारे में बता रहा था। सब लड़के उत्सुकता से उसकी बात सुन रहे थे, बीच बीच में प्रश्न करते, जिनका वह विशेषज्ञ की तरह उत्तर देता। उसने बताया, हमारे घर में एक गोह रहती है। जानते हो गोह क्या होती है? गोह सांप जैसा एक जानवर होता है, बालिश्त भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं, 8 पंजे होते हैं, सांप के पैर नहीं होते। यह सुनकर लड़के सिहर गए। वह बोलता बताता रहा, चोर अपने पास गोह रखते हैं, वे दीवार फांदने में इसका इस्तेमाल करते हैं। गोह की एक टांग में रस्सी बांधकर जिस दीवार को फांदना हो, रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजों से दीवार को पकड़ लेती है। उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचे तो गोह दीवार को नहीं छोड़ती। इसी के सहारे चोर दीवार फांद जाते हैं। किसी एक ने पूछ लिया, फिर गोह दीवार को छोड़ती कैसे है? बोधराज ने उसी विशेषज्ञ भाव में उत्तर दिया, ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं, दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं। बोधराज ऐसे ही किस्से अपनी मंडली को सुनाता। पिताजी की तरक्की होने के बाद हम एक बड़े घर में जाकर रहने लगे थे। घर पुराना था और वहाँ आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले भी थे। घर के पिछले हिस्से में बड़ा गोदाम था जिसमें कबूतरों ने डेरा जमाया हुआ था। वहीं एक टूटे रोशनदान के पास मैना का भी घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख, टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे रहते। बोधराज भी मुझसे मिलने इस घर में आने लगा था। यहाँ वह सब था जिसकी खोज में वह इधर उधर फिरता था। बोधराज के आने पर मैं उसके साथ घूमने निकल जाता। मेरी माँ को मेरा उसके साथ घूमना पसंद ना था। वह उसे पसंद ना करती थी, उसे राक्षस कहती और समझती कि निरीह जानवरों को तंग करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि गोदाम में पक्षियों के घोंसले बहुत थे जिससे वह गंदा भी बहुत हो गया था। सो एक दिन माँ ने मुझसे कहा कि अगर बोधराज को घोंसले तोड़ने में इतना मजा आता है तो उससे कहो कि हमारे गोदाम में से घोंसले साफ कर दे। मैं माँ से प्रतिप्रश्न कर बैठा, मगर तुम तो कहती हो कि घोंसले तोड़ने वाले को पाप लगता है। वे बोली, मैं ये थोड़ी ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे। घोंसले हटाना और गुलेल चलाकर मारना तो अलग अलग बातें हैं। बोधराज के आने पर मैं उसे गोदाम में ले गया। वहाँ फर्श पर पंख और पक्षियों की बीट पड़ी थी। पूरा कमरा तीव्र दुर्गंध से भरा हुआ था। मुझे डर लगा था कि बोधराज यहाँ भी घोंसले तोड़कर गिराएगा, उनके अंडे तोड़ेगा।
सभी ऐसे काम करेगा जिनसे मेरा दिल दहलता है। इतने में उसने गुलेल संभाल ली। उनकी निगाह मैना के घोंसले की ओर थी, जिसमें से उभरे हुए रुई के फाहे और तिनके साफ नजर आते थे। वह बोला, घोंसले में मैना के बच्चे हैं। और गुलेल साध ली, मुझे भी छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही चोचे झांकती नजर आईं। मेरे यह पूछने पर कि इनके माँ बाप कहाँ हैं, वह बोला कि चुग्घा लेने गए होंगे, आते ही होंगे। मैं उसे रोकना चाहता था कि वह गुलेल ना चलाए, परंतु उसने चला दी और उसका निशाना चूक कर पहला कंकड़ टीन और दूसरा शहतीर में जा लगा। निशाना चूकने पर वह बौखला गया। तीसरी बार उसने गुलेल चलाई और कंकड़ घोंसले के किनारे लगा। तीन चार और रुई के गोले उड़े पर घोंसला ना गिरा। बोधराज ने फिर गुलेल तानी तो देखा कि रोशनदान में बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी है। मैंने कहा कि संभवतः यह चील का घोंसला हो और वो यहाँ लौटी हो। इस पर उसने कहा कि चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। तभी घोंसले से चों चों की आवाजें आने लगी थी और मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाने लगे थे। हम चील की ओर एक टक देखे जा रहे थे कि अब वह क्या करती है। चील रोशनदान में से अंदर आकर शहतीर पर बैठकर अपने सिर को दाएं बाएं घुमाकर सब कुछ देखती रही। बोधराज ने कहा कि यह यहाँ रोज आती होगी। तब मेरी समझ में आया कि फर्श पर मांस के लोथड़े और पंख बिखरे हुए क्यों मिलते हैं। चील घोंसलों में झपट्टा मारती रही होगी। धीरे धीरे घोंसले की तरफ चील के बढ़ने पर उसमें बैठे मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाकर चीखने लगे थे। तभी बोधराज ने गुलेल का निशाना चील पर साध दिया। मैंने ऐसा करने से मना किया कि कहीं वह बोधराज पर ना झपट पड़े। कंकड़ चील को ना लगकर छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा और चील अपने बड़े पंख फैलाए नीचे सिर लिए घूमने लगी। मैं डर गया था और उसे वहां से चलने के लिए कहने लगा, परंतु वह बोला कि हम चले गए तो वह मैना के बच्चों को खा जाएगी। इसी बीच बोधराज ने 5-7 कंकड़ और गुलेल मुझे थमा दी और बोला कि चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसे बैठने मत देना, और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज को घसीटकर फर्श के बीचों बीच लाने लगा। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था, सो मेरे द्वारा गुलेल से फेंके गए कंकड़ इधर उधर शहतीर में लगकर नीचे गिर पड़े। इसी बीच चील दूसरे शहतीर पर जा बैठी थी। बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया और उस पर एक टूटी हुई कुर्सी रखकर उस पर खड़ा हो गया। दोनों हाथ ऊपर उठाए और जैसे तैसे अपना संतुलन बनाकर उसने धीरे से घोंसले को उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी पर से उतरकर मेज पर आ गया और घोंसले को थामे हुए ही छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलें, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम से निकलकर हम गैराज में आ गए, जहां एक ही बड़ा दरवाजा और दीवार में छोटा सा झरोका था। वह बोला कि चील यहां नहीं पहुंच सकती। ऐसा कहकर वह इधर उधर देखने लगा। अब तक घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए थे। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। वह देर तक यूं ही झांकता रहा। फिर उसे एक कटोरी में पानी मंगवाकर उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला। नन्हे नन्हे बच्चे चोंच उठाए हांफ रहे थे। उसने बच्चों को न स्वयं छुआ और मुझे भी छूने से मना कर दिया था। मैंने पूछा कि इनके माँ बाप यहाँ कैसे आएंगे, तो वह बोला कि वे इस झरोके से आ जाएंगे और इन्हें अपने आप ढूंढ निकालेंगे। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि वह कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर ना आ सके। उस शाम वह चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज घर आया तो ना तो उसके हाथ में गुलेल थी और ना जेब में कंकड़, बल्कि
जेब में बहुत सा चुग्गा भरकर लाया था। हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उनके करतब देखते रहे थे।